जो सरकार निकम्मी है, कानून व्यवस्था बना न सके, जो सरकार मुर्दाबाद। अखिलेश लखनऊ में नहीं, लेकिन उनकी मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा रखी है। बीजेपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी सड़क पर उतर आई है, धरना दे रही है, नारेबाजी हो रही है। यूपी की सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के सांसदों ने धरना दिया। राज्य के मुखिया अखिलेश यादव को सरकार चलाने में नाकाम बताया। कानून व्यवस्था, बिजली कटौती पर राज्य की सरकार को फेल करार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की जो वर्तमान में परिस्थिति है, जन विरोधी नीतियां हैं, पूर्णतः विफल सरकार है, उसको हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर अंतिम छोर तक ये जनमत जागृत करना चाहते हैं और लोक शक्ति का संग्रहण करना चाहते हैं। उस दृष्टि से आज का ये धरना और आज के धरने जिलों में होंगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा, बीजेपी सांसद नारेबाजी करते रहे। इस प्रदर्शन में बीजेपी के एक सांसद शामिल हुए, जिन्होंने एक आवाज में अखिलेश सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज धरना दे रहे हैं और शाम को महामहिम उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश सरकार में जो कुशासन है उससे मुक्ति के लिए हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दे। एक तरफ प्रदेश में 13,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, कुल 2400 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, और दूसरी तरफ सूखे और बाढ़ से प्रदेश जूझ रहा है, तीसरी तरफ लैंड ऑर्डर है, और इस हाल को मुख्यमंत्री छोड़ के नीदरलैंड है, तो हमारे सांसदों को धरना देना पड़ेगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर उपचुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। लोकसभा में बीजेपी को बंपर जीत मिली है, उस पर सवार होकर वो यूपी की सत्ता में पैड बनाना चाहती है। प्रदेश सरकार इस बात को चेत ले, अगर अभी भी वो अगर हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का काम नहीं करेगी, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी, तो जन आंदोलन करेंगे, इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देने का काम करेंगे। सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहे यूपी में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और बीजेपी भी हर मोर्चे पर सूबे की सरकार के खिलाफ डटी है। ऐसे में यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। राधेश्याम दीक्षित, APN लखनऊ। राधेश्याम, अगर आज इस पूरे मुद्दे की बात करें, हालांकि बीजेपी जहां एक तरफ अपनी रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे पता है कि समाजवादी पार्टी से उसकी कड़ी टक्कर होने वाली है और किस प्रकार से उसको घेरा जाए, मुद्दा भी समाजवादी पार्टी दे रहा है। कानून व्यवस्था लचर है, बिजली कटौती लगातार बढ़ गई है और ऐसे मुद्दों को बुनाने की कोशिश में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जुटे हुए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक तीर से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी साध रही है। पहला तो ये है कि अखिलेश सरकार की जो नाकामियां हैं, चाहे वो बिजली का मोर्चा हो, चाहे वो सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो बाढ़ और सूखा के मद्देनज़र किसानों को राहत देने की बात हो, उसमें भी कहीं ना कहीं चूक हुई। हालांकि बड़े पैमाने पर सरकार ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन फिर भी वो नाकाफी साबित हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की स्थितियों के मद्देनज़र इसको पूरी तरह से बुनाना चाहती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को यहाँ पर जुटाया गया। पहले इस संख्या 51 बताई गई थी, हालांकि बाद में पता चला कि 48 सांसद यहाँ थे, जो जिन्होंने अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और खिलाफ मोर्चा भी खोला और ज्ञापन भी सौंपा। जो मैं कह रहा था, क्योंकि तीन समीकरण, पहला समीकरण है तो सरकार के खिलाफ लामबंद होकर जनता के बीच में संदेश देना, और जो मोदी की जो रणनीति लोकसभा चुनाव में थी कि अप्रत्यक्ष प्रचार, चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं वहां आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, इस तरह से कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, जनसंपर्क कर सकते हैं, ऐसे में ये प्रचार टीवी के जरिए या तमाम जो मीडिया के माध्यम है उनके जरिए उन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा और वहां की जनता को प्रभावित करके वो बीजेपी के हक में जाए, ये भी एक दूसरी कोशिश है। और तीसरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता को के ध्रुवीकरण की है कि पार्टी के भीतर कैसे अपनी ताकत को आगे बढ़ाकर देखा जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर तमाम सांसद जुटे थे, एक तरह से उनकी ताकत भी इससे बढ़ी है और ये कोशिश भी उनकी थी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे किया गया है। योगी आदित्यनाथ न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे जहाँ चुनाव होना है, लेकिन वो गोरखपुर में जो जिले में प्रदर्शन थे हो रहा था वहां पर